सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेबी टेक मोर। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, म्यूजिक एक्सेसरीज डे टू डे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, एंड स्पेशली ब्लूटूथ हेडफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ईयरबड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। सो गाइस, आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का लेने जाते हो मार्केट में तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, काफ़ी सारे लोगों को ओवरहेड हेडफोन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, ओवरहेड हेडफोन्स भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। अच्छी प्रीमियम एंड साउंड क्वालिटी का आप लेने जाओगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ओवरहेड हेडफोन, जो कि बजट कैटेगरी के हेडफोन्स है। एंड ये है बोट की तरफ से आने वाले बोट रॉकर्स 450। जैसा कि आप सभी को पता है, बोट भी एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है म्यूजिक इंडस्ट्री में। सो गाइस, ये है बोट की तरफ से आने वाले एक ओवरहेड हेडफोन्स, इनका हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल जेबी टेक मोर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ईयरबड्स एंड ब्लूटूथ नेक बैंड के वीडियोस आपको आगे मिल जाएंगे, मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको टाइम पे मिल पाए। सो ये है हमारे हेडफोन बोट रॉकर्स 450 का बॉक्स। सो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। एंड अनबॉक्स करते ही हमें सामने रखा हुआ मिल जाता है हमारा मेन बोट का हेडफोन। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोट की बेजिंग मिल जाती है। एंड निकालते हैं इसको बाहर, यहाँ पे बोथ साइड आपको मेटालिक फिनिश मिल जाती है। इसी के साथ आपको यहाँ पे बोट की बेजिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है। एंड इसी के साथ हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाता है अंदर, जो कि एक नॉर्मल यूएसबी केबल है, टाइप ए टू यूएसबी केबल। एंड इसके साथ हमें एक ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को एंड हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पे पेपर वर्क मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, जहाँ पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है। इनकेस आपका हेडफोन ख़राब होता है तो आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है, जो कि हेडफोन यूज़ करने में आपको गाइड करती है। सो गाइज, फ़िलहाल इनको रखते हैं साइड में एंड बात करते हैं हमारे मेन हेडफोन की। सो गाइज, हेडफोन भी काफ़ी अच्छी तरीके से पैक्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया गया है हेडफोन को, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइज। ये फील देता है कि एक प्रीमियम ब्रांड का प्रोडक्ट है। सो कुछ ऐसा है फर्स्ट लुक बोट रॉकर्स 450 का, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है इसके ऊपर। एंड गाइस, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है ये। इसमें मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, और मैट फिनिशिंग के साथ तो काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है ये। और यहाँ पे आपको बोट की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे बोथ साइड में मेटल यूज़ किया गया है, और इसी के ऊपर आपको बोट का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है गाइस। साइड में इसमें आपको लोगो की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, एंड इसके ऊपर आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, साइड बैंड से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, अपने हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस, इसके कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सॉफ्ट क्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होंगे यूज़ करने के टाइम पे। मीन्स अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर रहे हो इसे, तो ये आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। एंड गाइज, अगर बात करें इसके पोर्ट्स एंड कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसी के साइड में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने ऑक्स से फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, एंड इसके साइड में आपको एक माइक मिल जाता है, जो कि आपके वॉइस रिकॉर्डिंग एंड कॉलिंग में यूज़ होता है। एंड इसके कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़ मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको प्ले एंड पॉज का बटन मिल जाता है, जिससे आप अपना कॉल रिसीव एंड कट भी कर सकते हो। एंड गाइज, अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, एंड ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड गाइज, आप इसे फोल्ड करके भी रख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ईजिली फोल्ड हो जाता है। एंड ये थोड़ा अलग तरीके से फोल्ड होता है, जैसे आप कंपेयर करोगे इसको बोट के किसी अदर हेडफोन से। सो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइज, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको कैरी करने में आपको इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। इसको आप फोल्ड करके भी अपने बैग में रख सकते हो। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है गाइज। एंड अब चेक करते हैं इसकी कनेक्टिविटी। मैं इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। सो गाइज, आपको सिंपली इसके प्लेन पोज के बटन को कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट ब्लिंक होने लगेगी, मीन्स ये ऑन हो चुका है। इसको आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है, वहाँ पे आपको अपने फ़ोन में इसका
नाम शो होने लगेगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और पैर करना है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया बोट रोकर्स 450, और यहाँ पे मैं पैर पे क्लिक करूँगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी शो कर देगा, यहाँ पे 60% बैटरी इसमें शो कर रहा है। एंड गाइज, अगर आप ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको ऑक्स से कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है ऑक्स को, एंड सेकंड पार्ट इसका अपने हेडफोन में कनेक्ट करना है। सो ये नॉर्मल हेडफोन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर है गाइज, इन केस आपके हेडफोन की बैटरी डाउन हो जाती है या फिर ब्लूटूथ बंद हो जाता है तो आप इसे वायर से भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्स से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड इन केस गाइज आपके ब्लूटूथ ख़राब होता है, आप आउट ऑफ वारंटी रहेगा आपका हेडफोन, तो भी आप इसको वायर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, ये था इसका एक अनबॉक्सिंग, एंड अब चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी कॉल क्वालिटी, इसकी म्यूजिक क्वालिटी, इसका बेस कैसा है वो चेक करते हैं। मैं प्ले करता हूँ इसमें म्यूजिक एंड कुछ कॉल्स अटेंड करता हूँ, उसके बाद आपको देता हूँ एक क्विक रिव्यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस, अगर बात करूँ उसके साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा क्लियर क्रिस्प साउंड देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें इसके बेस की, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाई बेस देखने को मिलता है गाइस। अगर आप म्यूज़िक लवर हो, आपको हाई बेस चाहिए, तो गाइस ये आपको आपके लिए इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, अगर आप लाउड म्यूज़िक हाई बेस में सुनना पसंद करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड गाइज, अगर बात करूँ उसके कॉल क्वालिटी की, तो वो भी इसमें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। मैंने भी इसमें काफ़ी कॉल अटेंड किए हैं, एंड पर्सनली मुझे भी इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड गाइज, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है कॉल अटेंड करने में या फिर बात करने में। सो गाइज, अगर बात करूँ बोट के इस हेडफोन की, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिल जाती है 8 आवर की बैटरी लाइफ। सो गाइज, ये था इसका प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो गाइज, इसमें आपको यहाँ पे क्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं ओवर हेड के लिए, बट गाइज इसमें आपके पूरे ईयर्स कवर नहीं होते, तो ये मुझे एक इसमें कॉन लगा, बिकॉज इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करोगे तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, अदरवाइज ओके है। इसके अलावा गाइज, मुझे इसमें एक और फीचर अच्छा लगा इसका। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको 8 आवर की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, बट गाइज इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो, सो 8 आवर की बैटरी लाइफ भी इसमें आपको कम पड़ती है। सो इसमें गाइज आपको एक ऑक्स केबल देखने को मिलता है, जो कि बोट ने बॉक्स में प्रोवाइड किया है। सो इसमें आप इसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्ट अपना नॉर्मल ईयरफोन बन जाएगा ये, जिससे आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। एंड गाइज, अगर बात करूँ मैं इसके प्राइस की, तो ये आपको 1500 रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन्स है। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है बोट की तरफ से, बोट जैसा ब्रांड मिलता है। सो गाइज, 1500 रुपीज़ में आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, आपको ये अगर परचेस करना है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस, ये था बोट रॉकर्स 450 का अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेबी टेक मोर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टेक अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।